अच्छा जी, बहुत लाल सुरख, लेकिन कैम्ब्रिज ब्लैक ही बदल नज़र आ रहे हैं, रेड कलर का बदल आ। तो अचार पाइया दरख्त नीचे इधर लियाओ ना। हाँ जी, बिजली चली गई, अगे थोड़ा पता ही नहीं, हरी वाले कोई दूर ही हो पहले चली जाती है। ऐ देख लो सुबह में सार। अच्छा चलो कोई नहीं, साइकिल ही मार दी तो सेंज कर लो, तो चार पाइया भी इधर कर लो, अगर बारिश आ गई तो रूम च कर लांगे। मैं तो एक चीज़ दिखाई नहीं है कि मैं क्या मौसम वाकई खराब हो जाए। एक चीज़ मैं लेके आया सी, वो मैं लाइट लेके आया सी, दिखाऊं तुम। अब मैं चार्जिंग लाइट लेके आया नवी, ठीक है ना। चलो बिजली चली जाती, मौसम खराब तो बंदा जला लेंदा। वैसे चल दिया कुछ नहीं, कोई महीना खंड ही कट दिया ने। नहीं ठीक है, सही है। मोबाइल च नहीं रोशनी जला के सही नजर आती। चलो ठीक हो गया, पढ़ो ज्यान नूं मैं सब्जी बनावा, तो मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, ज्यान नूं पकड़ो। तो मैं तकरीबन मैं बच्चे जो ट्यूशन गए उस तो पहले, वो चुप कर, 2:30 बजे की मैं सब्जी बना लगी, हले तक मेरी सब्जी नहीं बनी। कितने ज्यान नूं विचों नहाइयां करवाण चल गई, कितने ज्यान नूं खलान पलान लग गई, बस यही काम है उस टाइम का। हाँ जी, दोपहर दे लगे हुए हैं गोभी बनाने। दोपहर दे लगे जो ध्यान बनानी दिंदा कि मैं क्या करूं, तो जे टाइम ना बन जाती हुन सारा भी बन जाना सी, जिस तरह मर्जी रोटियां दो चार लवा के। अब कल्ला बंदा तो नहीं इनू काबू कर सकदा। बस देखो तुहानू पता लगे, तुसी अद्धा घंटा नहीं इनू संभाल सकदे, ते मैं की करा हुन, इस तरह ही हुंदी है। चलो तुसी इस तरह करो ना, सब्जी बना लो, मैं इनू बाहर किते ते पेट ना फिर लड़न लग जावे अंदर गर्मी च। चलो ठीक। अच्छा जी, गोभी भी मैंने अच्छी तरह कट के ते धो लिया, ऐसे ऐसे आलू भी धो लिया, इन्हें कट लाँगी। हरी मिर्च, लहसुन ते प्याज ये भी धो लिया, हुण बाद च कट दिया। तो लेकिन अज दो किन्नी दफ़ा चक्कर बाजार दे ला ले, मैं क्या सब्जी दे विच शायद टमाटर है वा, टमाटर नहीं निकले, तो हुण देखते हैं कि सब्जी असीं टमाटर तो बगैर बनाने जां टमाटर लिया के पाने। मौसम काफ़ी खराब है, पता नहीं बाजार जाया जाता जां नहीं जाया जाता, बारिश शुरू हो गई है, तो मैं सालन बना ला। फुलका मैं अच्छी तरह भुन लिया वा, हूँ ये पानी मैं पहले मेरा इरादा से कल आलू गोभी बनाने का, तो हूँ मैं जिस दिन चावल बनाए से उस दिन मैं थोड़ा जहा ना गोश्त बॉयल हो रखा सी, मैं कैसे किसी सब्जी पा लूँगी, तो मैं क्या चलो गोभी पा लें, गोभी गोश्त हो जाएगा, तो हूँ इनू पाने बिच अच्छी तरह भुन लेने, तो थोड़ी देर इन भुन के तो फिर गोभी पावे, क्योंकि उस दिन थोड़ा ज़्यादा भुनना पैंता वा, तो उस दिन मैं इस करके रखे कि किसी सब्जी पाऊँगी, कहीं सब्जी गोश्त नहीं पाया है ना, तो फ्रीज होया मतलब बर्फ सी, इस करके ना ठंडा बहुत आ। चलो इन अच्छी तरह भुन लें, भुन के तो फिर बनाने सब अच्छी तरह भुन लिया, तो हम गोभी के आलू कट करके वो मिक्स कर दें, कर दें मिक्स, देखते हैं कि अब सब गोभी कोर्स किस तरह का बनता वा। जी नसरुल्ला वीर की वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा यूट्यूब पर लाइक तो शेयर करो, सबसक्राइब करो, बैल का बटन जरूर प्रेस करो। अच्छी तरह भुन के थोड़ा जहा पानी पा देंगे, तो भी अच्छी तरह नरम हो जाए, तो मैं थोड़ा जहा पानी पा दें। अच्छा जी, काफ़ी जगह पर बारिश हो गई है ज़िले लइए च, मुख्तलिफ जगह पर, यानी इस तरह के कुछ साइडा पर जरा ना बारिश हुई है, कुछ साइडा जो रह गई, साडा चौक आजम रह गया, फतेहपुर हो गई, सतारा तो हो गई, शौकत आले हो गई, उस तो बाद पंचक च हो गई, यानी यह सारा एरिया जरा ना इधर है जरा ना फतेहपुर वाली साइड, इस तकरीबन ही बारिश मूसलाधार बारिश हुई है। मैनू काफ़ी मेरे जो रिश्तेदार रहते हैं उन्होंने मैं कॉल करके दसिया कि भाई इन्नी बारिश हुई है कि जरा ना मूसलाधार बारिश हुई है। अच्छा वो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश दे। इस तो बाद दूसरी गल हैगी है कि बिजली का बिल आ गया, तो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आया, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हाँ
अच्छा तुम क्या मैं शायद तुम भी कोई गल दस रही मेरे तो गल ही नहीं होंगी मेरा आप पानी पिलाओ मैनु जो ना वो हलक सो गया मेरा तो जो ना बिजली का बिल बहुत ज्यादा लिखा जी के ये तो दस कि मकान लेट बनाने करजा किन्ना वा वो असं अगली वीडियो दसांगे। हाँ जी सानू कमेंट्स आया सी कि भाई तुसी मकान शुरू करने हैं तो क्यों नहीं शुरू कर रहे तो तुहाडे ते कर्ज किन्ना वा वो भी असी दसांगे कि साढ़े सिर ते करजा किन्ना वा तो असी जिहड़ा ना वो अपनी वीडियो च जिहड़ा ना वो दसांगे। तो हुण असी जिहड़ा अज जिहड़ी वीडियो असी बनाई आ हाँ जी दसो हाँ जी बिल्कुल हर हर भैन भाई की गल का जवाब देना चाहिए वा तो बिल की वजह तो मेरे कोई गलबात नहीं होंगी कसम ना मैं कोई जूस लिया के पिलाओ मैं कोई जरा ना मिठा पानी कोई सिकंजवी मैं मिठा पानी बनाना नहीं मेरा बिल जरा ना बिल लाल देख के घटता पाया वा या कोई कैलसी वगैरह ताकत वाली कोई चीज़ जी ना मैं दौ। हाँ जी ते एक और भी किसी आदमी ने लिखा सी के ज़ियान दी हम उम्र 20 भी बेटी है ते उन्हें हिले दो ही दांत निकाले तो शायद ज़ियान ने भी दो ही दांत निकाले है ना मतलब ये खांदा पींदा है। हाँ जी ते उन्हें पूछा सी के पोटी क्या लगी हुई है ते चलो ठीक हो गया जे उमर मोबाइल चलाउंदा पता नहीं कैमरा हिला रहा है या की कर रहा है ता वीडियो देख के भाई हां जी अगला चार्ज फेरे पहले काफी आंधी आई है ये बंद पिया हुआ है ये हम सुबह ही चकना ये सुबह नहीं चकया जाऊंगा बिल्कुल। हां जी शाम नु सुनन चाहिए कि बोकर नहीं देनी चाहिए नहीं ये गल नहीं है बोकर दे लो टाइम होवे ते साडे कोल टाइम नहीं है मैं सालन बना रही सालन आटा गुनिया वा रोटियां बनानियां वा क्या जान बड़ी मुश्किल चुप बैठा वे ते बस आ दो आलू सब्जी जो काट के धो के लेके आए वे आलू पला के दे दे हां जी तुसी आलू पलाओ ते मैं रोटियां बनाना दो दिन तो साडा तंदूर वाला नहीं आ रहा जी बिल्कुल मैं उनी देख के आया नहीं ना आया मैं ओदे नजर नहीं घुमाई नहीं आया ही नहीं हैगा मैं दो बारी तो ना अंधेरी आ रही है नहीं आलू गोभी गोश्त चीजा बच्चे पता नहीं खाते मुर्गे का नहीं मुर्गे का नहीं है अब जरूर बकरे का पता चल जाएगा तो मुर्गे का अगर रंग ज्यादा वो चॉकलेट चॉकलेट है तो किसी बकरे का चॉकलेट कलर हो तो वो बकरे का होता है अगर व्हाइट हो तो मुर्गे का होता है चले पता चल जाएगा। मैंने बोटियां इस तरह बनाई है मुर्गे का लगे बोटियां मैंने इस तरह की बनाई जैसे बकरे का नहीं मैंने नहीं मम्मा जी आप बोटी डालती हूँ। अच्छा चले ठीक है आलू आलू के साथ खा लेना मसाले के साथ चले ठीक है मार मैं रोटियां बना लूँ और मैं दिखाती हूँ सालन मेरा कैसा बना है। अच्छा जी ये देखिए कितनी मज़े की गोभी गोश्त बन गया है मतलब इस तरह का खड़ा खड़ा ही अदन के पापा गोभी मतलब पसंद करते हैं तो अब मैं इस पर कुटे हुए मसाले डालती हूँ और रोटियाँ बनाती हूँ। उमर जा रहा तंदूर तो रोटियां लगवाने वास्ते उमर जा मैं आंदा पया वा हां जी तो तू भी क्या कर जा कर बेटा। अच्छा जी खाना खा लेके सी ज्ञान में दलिया वगैरह खिला के चोली च पा लिया वा क्योंकि तंदूर दी साडे सराचियां रोटियां बना देंदा इस करके फिर उत्थे लगवा लेनियां खादी जांदियां वैसे बच्चे सारियां रोजाना टुकड़े टुकड़े कोई बेची दे आ 50-100 दे दूजे दिन ते हुण मैं सालन ਪਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਸ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆ ਖੜੀ ਖੜੀ ਗੋਭੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸਹੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਲ ਤੇ ਅਦਨ ਤੇ ਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਦਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਔਰ ਆਲੂ ਸੀ ਰੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਭੀ ਤਾਂ ਆਲੂ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਾ ਮਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਕਾ ਬੱਕਰੇ ਕਾ ਹੈ ਮਾਰ ਬੇਟਾ ਸਾਲਨ ਪਾ ਦਾ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਣੀ
बहुत मजेदार सा बन रहा है। गोभी बहुत मजेदार बन रहा है। महाराज बेटा रोटी ला लो। अच्छी आज की फर्स्ट टाइम बनाया। वैसे सब्जियां मोस्ट पानी चाहिए। बच्चे जो नहीं खाते सारे बात से ये मसला बन रहा है ना। अक्सर दो बोटियां किसी भी सब्जी पा लो ना उधर टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता। बहुत अच्छा बन जाता। मुझे नहीं टेस्ट नहीं मजेदार बनता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है आ जाओ बेटा तुम भी खा लो रोटी। खराब सी इन्नी आंदी सी उसी तक आज खाना नहीं बनना आएगा ना। चलो कमरे च नहीं रहो इंदा बिजली चली जांदी है। फिर भी अल्लाह ताला दा शुक्र है कि खाना बन गया। हां जी ते मौसम जरा सही है। मम्मा जी हां जी 14 अगस्त वाली चीजें लाए। 14 अगस्त वाली हां जी। अच्छा चलो खाना खा के अगर टाइम है तो पापा ने जाके ले आओ। हां जी मम्मा जी पापा जी लेके आए। अब तो शाम हो गई है दुकान बंद हो गई। पापा जी नहीं पापा जी नहीं सुबह टाइम मिलेगा नहीं। सुबह जुमा है। जुमा ये खुली होती है नहीं खुली होती। अच्छा देखते हैं।